अच्छा नीतू मैम, एक मैं जयराम जी से बात कर रहा था, वो ये बोल रहे थे कि जब नीतू मैम आए तो आप उनसे एक सवाल, जो ये मेरा सवाल नहीं है। हाँ जी, अब डरते क्यों? वो मेरे साथ बैठे हुए ना। अरे यार अच्छा ओके हाँ। मैं ऐसे ही मतलब हाँ। कभी आपके कभी होता ही है जैसे कि आपस में मियां बीवी रहते हैं सारी, कहाँ है? अच्छा शूटिंग चल रही है, ऐसे ही आ जाते हैं? नहीं नहीं रख दो। होता है ये? होता है। रीटेक होगा ना? नहीं सर, कोई रीटेक नहीं है, ऐसा ही चलेगा। बट आई थॉट चाय वाय नहीं मिलती। अच्छा आप कुछ लेंगे मैम? नहीं नहीं कुछ नहीं। अच्छा तो एक्चुअली इतना भी नहीं चलता भाई, फोन तो बंद कर लो। किसका बजा फोन? मेरा था। तो एक्चुअली ये जयराम जी का सवाल है सर, मेरा नहीं। वो कह रहे थे कि पूछना, हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, दो बर्तन खटकते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, कभी आपके दिल में आया कि मैं छोड़ दूं इनको? जयराम नहीं, ये तो मैंने बुक में भी लिखा है कि इस 37 इयर्स रोज एक मोमेंट होता है जब मैं सोचती हूं बस मैं जा रही हूं। बट फिर, अरे कब? बट फिर इट हैज टू बी कि इनमें इतनी अच्छाइयां होंगी कि मैं रह जाती हूँ। जाती नहीं हूँ। अच्छा मैम, जब आप उठती हैं सुबह पहले न्यूज़पेपर पढ़ती हैं या ऋषि सर के ट्वीट देखती हैं आप? आपको कभी टेंशन होती है कि आप सर ने कुछ लिखा? सोने से पहले ट्वीट देखती हूँ। वैसे नीतू मैम, मैंने ऋषि सर जब पिछली बार हमारे शो पे आए थे तो हमने ऋषि सर से पूछा था, आपको जब इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने आपको किया था, आपने इनको किया था, ट्विस्ट किया था? याद नहीं है। एक इन्होंने कुछ चिट्ठी भेजी थी मेरे को, सिख नहीं याद आई। टेलीग्राम? हाँ। टेलीग्राम भेजी थी। आई वाज कभी कभी की शूटिंग थी। ओके सो आई वाज लाइक, क्या घड़ी थी वो? मैं पेरिस में था। अच्छा आई थिंक बोर हो रहे थे। ये श्रीनगर में थी, दोनों ही खूबसूरत जगह पे थे आप। नहीं क्या था, दो दो शिफ्टें साथ में करते थे, राइट? सो काफी टाइम ऐसे होता रहता था, महीने साथ में रहते हैं, फिर बीच में गैप आता था। सो एक दिन उन्होंने बोला मेरे को कि तू मेरे साथ नहीं थी, आई वाज मिसिंग यू। सो आई सेड व्हाई वर यू मिसिंग मी? सी आई डोंट नो बट आई लाइक टू शूट विद यू। सो दैट्स द टाइम आई रियलाइज दैट ही काइंड ऑफ लाइक्स मी। फिर मैंने को बोला कसम खाओ, कसम खाता हूँ, ऐसे स्वेयर को मैं उंगलियाँ बताओ, यू नॉट क्रॉसिंग योर फिंगर्स, यू नो वी वर चिल्ड्रन, सो स्टूपिड बातें करते थे। सो लाइक दैट इट वॉज जस्ट, आई थिंक इट वॉज वेरी चाइल्डिश, बट वी गॉट यूज टू ईच अदर। एंड फिर अभी चाइल्डिश है तो भूल जाए, अभी चाइल्डिश हो गया था। बचपन में जो गलती हो गई माफ कर दो यार। अच्छा नीतू मैम, कपूर फैमिली जो है एक तो बॉलीवुड फिल्में घर में अक्सर जिक्र होता है, फिल्मों का होता होगा, दूसरा खाने पीने के सब शौकीन है, तो आप कभी खाना बना लेती? वैसे कभी बनाया आपने ऋषि सर के लिए? मैं क्या कर रही हूँ, खाना ही तो खिला रही हूँ। ये शायद फिजिकली नहीं बनाती होंगी लेकिन बहुत शौक है उसे। अच्छा कि नई नई डिशेस, नई नई चीजें? नहीं, नेट पे ऐसा कोई शौक नहीं है। मेरे हस्बैंड को बहुत शौक है खाने का, इसलिए मैं रोज एक नई डिश देखती हूँ अभी तक। अच्छा मतलब एक कोई डिश मैंने बना दी, अगर मैंने रिपीट कर दी एक महीने के बाद, ये तो कल खाई थी। सो आई हैव टू मेक हिम न्यू डिशेस सो ही गेट्स हैप्पी। जिसमें घी ना हो, जिसमें फ्राई ना हो, जिसमें ये ना हो, वो ना हो, जब मतलब कि उबला हुआ जैसे खाना होता है, बस यही होता है और कुछ नहीं। अच्छा नहीं, आई गिव टेस्टी फूड देती, ऐसा झूठ नहीं बोलो। मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि लाइट भी हो, इतने सालों बाद भी ओपिनियन मैच नहीं हो रहे। नितिन, जब आप शादी करके आई कपूर फैमिली में, राज कपूर साहब, शमी कपूर साहब, शशि कपूर साहब, आपको एक एक टाइम पे जाके थोड़ा डाउट नहीं हुआ कि मैं सच्ची फैमिली में आई हूँ या किसी अवार्ड शो में आ गई हूँ? सबके सब सुपरस्टार्स घूम रहे हैं। तो मैं भी तो थी एक अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस। ये तो है। अच्छा नितिन मैम, एक्चुअली ऐसा होता है आदमी कभी कभी मूड में है, दो ड्रिंक ले लिए तो आदमी सच्ची बातें कर देता है। या और आप लाइफ पार्टनर है तो जाहिर सी बात है सर, जितने आपने बुक पढ़ी है। मैं तो पूरी कपूर फैमिली को पढ़ रहा हूँ बचपन से, मैं तो इतना फैन हूँ। पर ऐसा कभी हुआ है ऋषि सर ने आपको कभी ऐसे? बहुत किस्से हुए ऐसे, बहुत कुछ हुआ है। क्या हुआ है? मैंने बुक
See, he's never had affairs. Kabhi affairs nahi hue. Sun liya? Kabhi nahi hue. Sun liya aap logon ne? But. Jo camera hai, suna ki nahi? But. Insaan hai. You can like somebody. Like, I can like somebody. So what? He can have a liking for somebody, not affairs. So, samjho inka ek friend hai Rahul, okay? So, ye aate hain ghar mein, 8 o'clock he starts drinking. So, biwi saamne hai, and we talk normal things, aaj kya hua. 10 baje, wo jo biwi hai, wo Rahul ban jati hai. So, then he starts telling me his, yeah, she's damn sexy, yaar. Sab jhooti baat hai. Ye sab jhooti baat hai. Ye sab jhoot hai, ye man bhavan baat hai, ye lalki jhoot bol rahe hai. फिर मैं भी शर्लॉक बन जाती हूँ. मैं बोला अच्छा. सो हाँ, क्या क्या किया फिर वो बताएंगे. उसने ऐसे मेरे को आके फ्लर्ट किया, फिर मैंने ये किया. ये ड्रामची तुम कर रहे हो. सो ये सब ना, मैं फिर मेरे को और छानबीन करनी होती, बिकॉज मैं झगड़ा तो कर नहीं सकती, बिकॉज अभी ये दूसरा लेवल है. सो आई कीप ऑन हियरिंग. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आई टेल हिम, अच्छा सो दिस हीरोइन सेड दिस टू यू. हाउ डू यू नो? I said, you told me last night. मैं पर वैसे सर ये बात जान के बड़ा दुख हुआ कि इतनी खूबसूरती भगवान ने दी, कोई अफेयर नहीं. अच्छा नीतू मैम, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपकी फैन हैं, और वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती थी, तो हमने कहा कि बहुत टाइम भी बचे तो आप हमें बता दीजिए. तो मैंने उनके सवाल कुछ लिए हैं. हाँ, वो उनका ये मानना है कि जो एक आम गृहिणी के साथ होता है, हाँ, क्या वो एक सुपरस्टार गृहिणी में ग्रैंडमदर? गृहिणी, गृहिणी मतलब हाउसवाइफ. वो वर्ड गृहिणी, आई डिडंट नो दिस. यू डोंट नो हिंदी? इट्स अ हाउसवाइफ. मुझे रियली नहीं पता है यार. व्हाट्स रॉन्ग विद यू? मैं गृहिणी समझा ग्रैंडमदर. गृहिणी सर, एक हमने काफी साल पहले एक न्यूज सुनी थी कि आपने मेरे ख्याल से फिल्म में, बॉबी फिल्म में, डिंपल जी को एक रिंग देते हैं, और राजेश खन्ना साहब ने वो रिंग पानी में फेंक दी थी, और बाद में अपनी वाली पहनाई थी. वो क्या किस्सा क्या है सर, क्लियर? मतलब अब कहाँ पुराने मुर्दे सर, मजा आएगा सर. आप मुर्दे गाड़ रहे हो या तुम उखाड़ रहे हो? सॉरी, वो लंबा सा किस्सा है. अभी क्या मालूम क्या हुआ, वो रिंग मेरे पास है बाद में. अच्छा? नहीं नहीं, वो रिंग अभी अरेबियन सी में है. बैंक में? अरे वो अरेबियन सी में यार, वो अभी वहीं पड़ी हुई है, मतलब तुम्हारे पास वो होगी. और वो चलो, वो किस्सा कभी उन दिनों का था, अभी छोड़ो. चलो, कई एक्टर्स सालों साल मेहनत करते हैं, अवार्ड की कोई इच्छा रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं. ऋषि सर ने तो बचपन में ही नेशनल अवार्ड इनको मिल गया था. मेरा नाम जोकर के लिए सर आपको मिला था. तो जब आप गए नेशनल अवार्ड लेके, तो आपके पापा, आपके दादाजी, क्या रिएक्शन था उनका? अब देखो, मैं 16 साल का था, 16-17 साल का था. मुझे क्या इल्म, क्या नॉलेज थी एक्टिंग वैक्टिंग की. वो राज साहब जो करके दिखाते थे, मैं उसे कॉपी करता था, और वो एक्टिंग हो गई. तो उसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड पुरस्कार दिया गया, तो मैं बड़ा खुश था. पहले ही मालूम पड़ गया था पुरस्कार तो मिल गया जब, लेकिन फिजिकली जब मुझे मिला जी, तो मैं घर गया तो पापा ने कहा कि जाओ अपने दादा को जाके उनके चरणों में जाके डालूँ. तो मैं वहाँ गया दादाजी के यहाँ, और मैंने वो जो पुरस्कार था मैंने दादाजी के चरण में रख दिया. तो उन्होंने वो पुरस्कार उठाया, उन्हें देखा, माथे पे ऐसे लगाया, और उनके आंखों में आंसू आ गए. तो मैं घबरा गया कि मैं इनसे कोई गलती हो गई कि दादाजी के आंखों में आंसू आ गए. तो उस वक्त तो बात मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन आज मैं उसका मतलब समझता हूँ कि उसने उस वक्त, उन्होंने कहा था मेरे से कि राज ने मेरा कर्जा उतार दिया. क्या बात है सर. आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 44 ईयर्स होंगे ना, 44 साल हो गए इंडस्ट्री में. इस बात के लिए जोरदार तालियां. ऋषि सर अभी मुझे बोल रहे थे कि कुछ टेक्निकल बातें हो रही थी कि जब आप हाई पिच पे कोई गाना शूट कर रहे हैं तो उसको आपको इतने जोर से गाना लगना चाहिए कि आपका भी जोर लग रहा है, कि वैसा नहीं. तो कहते हैं कि नीतू जी डिस्ट्रैक्ट होती थी एज ए एक्टर, आप डिस्टर्ब हो जाती थी. ऑब्वियसली कोई आपके कान में इतना बेसुरा गा रहा है, यू विल फॉरगेट योर स्टेप्स, राइट? वो रिदम भूल जाते थे, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट. For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.